जगदीश जी, क्या शिकायत लेकर के आज यहाँ पहुँचे? आज हम हमारे गांव के जो बच्चे को पुलिस ने वालों ने यहाँ बुलाया और थाने में बुला करके उसके साथ इतनी मारपीट करी कि आज वो चलने की हालत में नहीं, और चलने तो ठीक है, उठ भी नहीं सकता है, और आने वाली उसकी जो लाइफ है वो लाइफ भी पूरी खत्म हो गई उसे, इतना मारा है उस पर। अभी कहाँ है वो? भी अस्पताल में भर्ती है। कौन सा हॉस्पिटल? सरकारी अस्पताल में भर्ती है। क्या शिकायत की आज आपने? आज हमने एसपी साहब को बताया, यहाँ पर आकर के आवेदन दिया है एसपी साहब के नाम से, वो तो आज आए नहीं है एसपी साहब। वो जो एडिशनल एसपी साहब थे सिंह साहब, कमलेश गणेश सिंह, वो आए हैं और उन्होंने आवेदन लिया और सिर्फ आश्वासन दिया है उन्होंने कि हम आगे एसपी साहब को बताएंगे, वो आगे कार्रवाई करेंगे। पर हम ये चाहते हैं कि वो तत्काल जो जिन्होंने मारा है उनको, जो टीआई साहब के जो नेतृत्व में, यादव साहब के जो नेतृत्व में बच्चे को उन्होंने जो SI 2 जिन्होंने मारा है उसको तत्काल अभी निलंबित किया जाए, और अगर नहीं निलंबित करते हैं तो हम आगामी 11 दिसंबर के बाद। क्या मामला है? ये अभी 1 तारीख को बड़वानी थाना क्षेत्र में एक चोरी की घटना हुई थी, इसमें टायर चोरी हो गए थे, 35 टायर चोरी हुए थे। उसी सिलसिले में पुलिस ने तफ्तीश के दौरान बालकुआ के एक युवक को बुलाया था, उससे पूछताछ की, तो उसमें उसके साथ क्रूर व्यवहार के मारपीट किया गया। इस तरह से गांव के परिजन और उनके जो आसपास के निवासी हैं लोगों ने आकर एक ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन की निष्पक्षता से जांच की जाएगी और जांच में जो भी तथ्य पाए जाएंगे, जो भी दोषी पाए जाएंगे, विधि के अनुसार।